आईपीएल 2023 को लेकर बड़ा अपडेट, आज लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच का टिकी टक्कर। आईपीएल सीजन 16 के 10वें मुकाबले में आज सनराइजर हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आमने सामने होगी। ये मैच जो है लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वही ये लखनऊ सुपर जायंट्स का होम ग्राउंड है। लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर हैदराबाद पिछले साल लीग स्टेज में एक ही बार यहाँ पर आमने सामने हुई थी, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत दर्ज की थी। वही आज के मैच में हैदराबाद के कप्तान एंडर मार्क्रम, मार्क यानसेन और हेनरिक क्लासेन भी यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। भाई क्विंटन डीकॉक भी लखनऊ की कैंप में शामिल हो गए हैं। भाई आज की इस वीडियो में दोनों टीमों के हेड टू आंकड़े और टॉप प्लेयर्स और इसके अलावा पिच रिपोर्ट और वेदर कंडीशन और पॉसिबल प्लेइंग 11 और इंपैक्ट प्लेयर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो लखनऊ सुपर जायंट्स का इस सीजन का ये तीसरा मुकाबला होगा। टीम को एक मुकाबले में जीत और एक मुकाबले में हार मिली है। उसने पहले मैच में दिल्ली कैपिटल को हराया था, वही दूसरे मैच में चेन्नई से हार मिली थी। हैदराबाद के खिलाफ टीम चार विदेशी खिलाड़ियों में काइल मार्स और क्विंटन डीकॉक, निकोलस पुरन और मार्क वुड जो है शामिल हो सकते हैं। वही इसके अलावा केएल राहुल, रवि बिश्नोई और आवेश खान भी टीम को यहाँ पर मजबूती दे रहे हैं। वही हैदराबाद की बात करें तो सनराइजर हैदराबाद की टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसे पहले मैच में राजस्थान से हार का सामना करना पड़ा था। राजस्थान ने उस मैच में पहले मैच में बेहतर रन से सनराइजर हैदराबाद को हराया था। वही टीम उस हार को भूलकर आज जीत का खाता खोलना चाहेगी। लखनऊ के खिलाफ टीम के चार विदेशी खिलाड़ी की बात करें तो चार विदेशी खिलाड़ियों में एंडर मार्क्रम, ग्लेन फेलिक्सी, आदिल राशिद और फजल फरूकी जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार और मयंक अग्रवाल, उमरान मलिक भी टीम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, यानी ये टीम को मजबूती देंगे। वही दोनों टीमों के अगर हेड टू आंकड़ों की यहाँ पर बात करें तो केएल राहुल कप्तान वाली लखनऊ सुपर जायंट्स लीग का ये दूसरा ही सीजन है। वही पहले सीजन में टीम ने सभी को चौंकाते हुए क्वालिफायर का सफर तय किया था। तब दोनों टीमों के बीच एक मैच हुआ था और उस मैच में लखनऊ को जीत मिली थी। वही दोनों टीमों के आज के मैच की संभावित प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तानी तो है वो राहुल करेंगे। इसके अलावा डीकॉक और काइल मार्क्स और माइक स्टोनिस जो है, मार्क स्टोनिस, इन दोनों में से एक को आज मौका मिल सकता है। मेरे हिसाब से ये जो मुकाबला जो है वो काइल मार्क्स को यहाँ पर टीम में रखेंगे। मार्क स्टोनिस है उसको यहाँ पर छुट्टी मिल सकती है, यानी उनको यहाँ पर इस मैच से बाहर होना पड़ सकता है। निकोलस पुरन और दीपक हुड्डा, किशन गौतम ये रहेंगे। इसके अलावा कुरान पांड्या, मार्क वुड और रवि बिश्नोई, आवेश खान, यश ठाकुर जो है इस टीम के अंदर रहेंगे। वह इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में जयदेव नकट और अमित मिश्रा और किशन गौतम जो है ये इम्पैक्ट प्लेयर में रह सकते हैं। कर्ण शर्मा भी यहाँ पर इस टीम में रह सकते हैं। इसके अलावा सनराइजर हैदराबाद की अगर बात करें तो एंडर मार्क्रम जो है कप्तानी कर रहे हैं। इसके अलावा कप्तान है भुवनेश्वर कुमार, मयंक अग्रवाल इसके साथ रहेंगे। इसके अलावा अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फेलिक्सी और वॉशिंगटन सुंदर, उमरान मलिक, आदिल राशिद, टी नटराजन और फैजल उलक फारूकी जो है ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी है ये यहाँ पर इस टीम में रहेंगे। वही इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो अनमोलप्रीत सिंह और नितेश कुमार रेड्डी और इसके अलावा कार्तिक त्यागी जो है इस टीम को यहाँ पर मजबूती देंगे, यानी ये इम्पैक्ट खिलाड़ी के रूप में रहेंगे। वही वेदर कंडीशन की अगर बात करें तो मैच के दिन लखनऊ में मौसम गर्म रहने की उम्मीद है। लखनऊ में कल जो है तापमान 19 से 31 डिग्री के बीच रहा था, आज भी यहाँ पर इसी तरह का रहने के आसार हैं।